आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार और आज हम करेंगे क्लास प्लस टू में बिजनेस स्टडी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती हैं, अथॉरिटी के साथ साथ हमने जाना था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। अथॉरिटी होते हैं अधिकार, अधिकार क्या होते हैं, जब एक मैनेजर है या मैनेजमेंट है और ओनर के द्वारा उसको थोड़े थोड़े क्या मिल जाते हैं, राइट्स मिल जाते हैं टू टेक डिसीजन, उसे हम क्या बोलते थे, अथॉरिटीज़ बोलते थे। और जैसे ही अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है तब एक नई चीज़ सामने आती है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको अथॉरिटी दी जाती है काम करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कुछ पावर्स दी जाती हैं, तब ऑटोमेटिकली कुछ उत्तरदायित्व, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलती हैं कि आपको वो काम जो है, जो दिया गया है वो करके दिखाना है विद इन द टाइम, विद इन द लिमिट, एंड जो कॉस्ट आपकी आनी चाहिए, जो जितनी है आपको बताया गया टारगेट, उसके हिसाब से सारे काम डन करने हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट आज जो लेक्चर है उसमें मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कि जो अथॉरिटी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों के बीच में क्या है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ये दोनों को सेम मत समझ लेना। क्योंकि एक बात तो ये कंफर्म हो चुकी है कि अथॉरिटी होती है टू टेक डिसीजन की एक पावर, एक आपको जब मिल जाती है तब आपके पास क्या आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, और जैसी अथॉरिटी आती है तुरंत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो जाती है कि वो आपको काम करने की अधिकार है तो आप उसको करके भी दिखाएं, करके पूरा करें, ये आपका खुद का पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस की, तो दोनों के डिफरेंस में सबसे पहले जो हमारा डिफरेंस आता है वो है मीनिंग आता है। कहते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, तो अथॉरिटी में क्या है, टू टेक डिसीजन, उसकी पावर जो है आपको दी जाती है, तो पावर टू टेक डिसीजन, जब मेरे पास, मान लो मैं कंपनी का मैनेजर हूँ और मुझे क्या मिलती है, पावर मिलती है कि मैं रॉ मटेरियल का ऑर्डर कर सकता हूँ या कस्टमर को उधार पे नहीं देना या देना है, इस चीज़ का डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ, तब मेरे पास डिसीजन लेने की पावर आई है और उसी को क्या बोलते हैं, अथॉरिटीज़ बोलते हैं। बात करें मीनिंग की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, द असाइनिंग जॉब, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, बस भाई आपको ये काम कंप्लीट करके लाना है या आपको इतना काम करना है। मान लीजिए आपको टारगेट दे दिया गया, आपको एक काम दिया गया, अभी आपको यहाँ से पार्सल उठा के लेके जाना है और वहाँ पर छोड़ के आना है और आपको फैक्ट्री में अंदर जाना है, उसको देना है या जो भी है, तो जैसे मैंने आपको एक जॉब असाइन कर दी, काम असाइन कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको काम को उसको पूरा करें। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन और द फ्लो, फ्लो ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है जैसे ऊपर से नीचे आता है, मैं ऑर्डर देता हूँ ऊपर से नीचे वाले बंदे को, नीचे वाला बंदा उससे नीचे वाले को ऑर्डर देगा, और जो सजेशन की बात करें तो वो नीचे से ऊपर जाते हैं, तो एक फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। तो उसमें क्या है, बात करें तो अथॉरिटी में टॉप टू बॉटम चलता है। अथॉरिटी देखना, कभी भी एक नीचे काम करने वाला वर्कर ऊपर वाले को, अपने बॉस को अथॉरिटी नहीं देगा, पावर्स नहीं देगा, क्योंकि उससे ज़्यादा पावर तो उसके पास ऑलरेडी हैं। यानी कि बॉस जो होता है वो अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को कुछ पावर्स हैं, कुछ आपकी मतलब शक्तियां हैं कुछ, जो नीचे वाले को देता है ताकि वो उसको यूज़ करके अपना काम कर सकें। तो इसलिए कहता है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, टॉप टू बॉटम चलती हैं, मतलब नीचे की तरफ इनका फ्लो होता है। और जबकि बात करें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या होती हैं, टॉप टू बॉटम चलती हैं, मतलब अगर कोई मेरा बॉस है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके लिए काम पूरा करूँ। मैं टॉप, जो मेरे मैनेजर हैं टॉप के, जो लेवल के हैं, जो मेरे से ऊपर हैं, मेरा क्या मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ तो उनका काम पूरा करके दूँ, उनके लिए मैं काम करूँ, उनके लिए बेहतर सोचूँ, फर्म को आगे टारगेट पर लेके जाऊँ, तो मेरा जो फ्लो होगा, डायरेक्शन होगा कम्युनिकेशन का, वो नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, तो वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। और बात करें अथॉरिटी की, तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन होता है जन्म, मतलब ये कैसे पैदा होती है, अथॉरिटी कैसे जन्म लिया अथॉरिटी ने, और अथॉरिटी का जन्म कैसे हुआ, फॉर्मल रिलेशन के साथ। देखो एक कंपनी होती है, कंपनी में आप जाते हो, उसमें जॉब करते हो, जॉब अगर नहीं करते तो क्या आपके पास वो पावर आती कंपनी में जाने की, कंपनी के लिए कुछ डिसीजन लेने की पावर आपको तभी मिलती है जब कंपनी में आपने जॉब किया है, जब कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया तब आपका कंपनी के साथ क्या बन गया, एक फॉर्मल रिलेशन बन गया। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में हमने किया था, बताया था मैंने आपको क्या कि फॉर्मल एक रिलेशन होता है और जब ये बनता है तब जाके हमारे पास कुछ अथॉरिटी आती है, और अथॉरिटी आने का पहला रीजन क्या होता है, फॉर्मल रिलेशन होना। जब तक फॉर्मल रिलेशन नहीं होंगे आपके पास कोई पावर नहीं आएंगी। अब दो दोस्त हैं, वहां पे फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल वे में जाते हैं, तो वहां पे कोई अधिकार नहीं होते दूसरे को भी, मैं तो दोस्त पे अधिकार कर रहा हूं या उसको कह रहा हूं कि भाई हां तू काम कर, तू मेरे लिए ये कर वो कर, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वहां पर। जबकि अगर बात करें कंपनी की, वहां पे एक फॉर्मल रिलेशन है तब आपकी अथॉरिटी जन्म लेती है।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सीनियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जब बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो एक व्यक्ति के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, मतलब उसके उत्तरदायित्व कब बनते हैं, जब उनका एक रिलेशन होता है सीनियर का सबऑर्डिनेट के साथ। मेरा एक बॉस है, ठीक है, वो मुझे काम देता है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम को पूरा करता हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरे बॉस हैं मैं उनका काम पूरा करूँ। तो सीनियर और सबऑर्डिनेट का जब रिलेशन होगा तब जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म होता है, उसका ओरिजिन होता है। होप आपको क्लियर हुआ ओरिजिन वाला पॉइंट। नेक्स्ट है असेंस। असेंस मतलब आयाम, उसके अंदर होना। हाँ जी, तो गेट द डिसीजन इम्प्लीमेंट। याद रखना, अगर आपने डिसीजन ले लिया है और आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, उसको लागू कर सकते हो। भाई मैंने डिसीजन ले लिया, मैं एक्स को उधार पे माल नहीं बेचूंगा, नॉट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने अगर ये डिसीजन ले लिया तो पक्का है, डन हो गया कि भाई उधार पे इस बंदे को तो माल देना ही नहीं। तो गेट डिसीजन इम्प्लीमेंट, मैं इसका डिसीजन को फॉलो भी करूँगा और लोग भी उसको फॉलो करेंगे। मैंने जो बोल दिया, मैंने जो ऑर्डर ले लिया, अथॉरिटी है मेरे पास ये चीज़ कि मेरे को किसको माल बेचना है किसको नहीं बेचना, तो ये मैं इसका इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इज़ टू ऑबे द ड्यूटीज़। बस आपको ड्यूटीज़ को पालना करना है, जो आपको काम मिले हैं, जो आपको ड्यूटीज़ मिली हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपने काम को अच्छे से करते रहें। तो अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना, आप ओबे करना, उसको पालन करना, काम को जो आपको दिया गया है वही क्या कहलाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। और जो डिसीजन लिए गए आपके द्वारा उनको इम्प्लीमेंट कर देना, यही क्या कहलाता है, अथॉरिटी कहलाती है। तो होप आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर ध्यान से नहीं देखा है तो वो एक बार लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, ताकि आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आपके दो वर्ड हो गए अकाउंटिंग में, आपके क्या हो गए, हमारे जो चैप्टर था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, अथॉरिटी आपको क्लियर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गया। तीसरा और हमारा लास्ट पॉइंट है जो इसका जो मेन है, वो आता है हमारा हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हम क्या बोलते हैं, जवाबदेही, या आंसरबिलिटी भी उसको बोल देते हैं। आंसरबिलिटी से जवाबदेही मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे मेरे बॉस ने काम दिया, ठीक है, मैंने वो करना था बट मैंने किसी और से करवा लिया, भले वो काम होगा नहीं होगा, बॉस तो वो किससे बोलेगा, अरे भाई वो तो मुझे बोलेगा ना, तो जवाबदेही तो मेरी है ना, आंसरबिलिटी तो मेरी बनती है कि मैं अपने बॉस को जवाब दूँ, भाई मैंने काम इसलिए नहीं किया, मैंने किसी और को काम दे दिया, मैंने किसी और से करवा लिया, उससे मेरे बॉस को क्या मतलब है, उससे कोई मैटर नहीं करता, उसको सिर्फ काम से मतलब है, काम होना चाहिए। तो जवाबदेही किसकी होगी, मेरी होगी, भाई अपने बॉस को मैं जवाब दूंगा ना कि भाई मैंने काम किया या नहीं किया, किया तो क्यों किया, किया नहीं किया तो क्यों नहीं किया, रीज़न क्या थे, सब कुछ मैं अपने बॉस को बताऊंगा समझाऊंगा, इसी को बोलते हैं जवाबदेही करना, यानी कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की सबसे बड़ी खासियत है आप इसे डेलीगेट नहीं कर सकते, किसी और को सौंप नहीं सकते, अरे भाई मैंने आपको काम दिया करके आइए, अगर आपने नहीं किया, किसी और से करवाने की कोशिश की और वो काम नहीं हुआ, तो गलती किसकी है, आपकी है, आप पर ही इल्ज़ाम आएगा, आपको ही कहा जाएगा, आपको ही टोका जाएगा, भाई तूने काम कंप्लीट नहीं किया। तो इसीलिए इसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जिसमें काम को लेकर के बोला जाता है कि आपका ये मतलब ये उत्तरदायित्व बनता है, आपका जवाबदेही बनती है कि काम को क्यों नहीं किया। अब इसकी बात करते हैं फीचर्स की, इसकी दो फीचर्स हैं। उससे पहले फीचर से पहले सबसे एक बार देख लें कि अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग में क्या लिखोगे आप, कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, इट रेफर टू द आंसरबिलिटी फॉर द टास्क। अगर आपको एक काम दिया गया, कोई टास्क दिया गया, कोई परफॉर्म करने के लिए एक्शन दिए गए हैं और आप उसको काम को कर रहे हैं, तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी, भाई हाँ ये काम क्यों नहीं हुआ, या इस काम को क्या पूरा कर लिया गया है, उसके बारे में जो रिपोर्टिंग करनी है सारी आपकी जवाबदेही होगी। आपको ही ध्यान में रखना है कि आपने जो काम जो दिया गया था क्या वो कर दिया है या नहीं किया है। इट फ्लो द अपवर्ड्स। अपवर्ड मतलब मैंने आपको बता दिया, अपवर्ड कैसे होता है, इस तरह से होता है, याद रखना अकाउंटेबिलिटी भी कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी जवाबदेही किसको होगी, अपने नीचे वाले बॉस को मैं जवाब क्यों दूं, भाई मैं तो अपने ऊपर वाले जो मेरे बॉस हैं मैं उनको जवाब दूंगा ना, जो मेरे नीचे वर्कर काम करते हैं, मेरे नीचे एम्प्लॉय काम करते हैं, मैं उन्हें जवाब क्यों दूं, मैं अपने बॉस को जवाब दूंगा ना भाई। तो इसीलिए क्या होता है, इनका जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड चलता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। बस मेन बात आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, जवाबदेही, ठीक है, ये वर्ड आपने सुना भी होगा पहले, जवाब देना पड़ता है, तो ये जवाब देने के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी जरूरी है ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स। फीचर्स में देखते हैं कि क्या होता है अकाउंटेबिलिटी। पहला है कैन नॉट बी डेलीगेटेड।
डेलीगेट होता है सौंप देना। हाँ जी, तो आपको ध्यान रखना है चीज़ कि जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो किसी और को सौंपी नहीं जा सकती है। आगे ये क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कई बार कि अकाउंटेबिलिटी को क्यों सौंपा नहीं जा सकता, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कर भी लेंगे। हाँ जी, फिलहाल तो हमें ये पता है कि अगर मैंने किसी को टास्क दिया है, काम करने के लिए दिया है, तो एक नॉर्मल सी बात है वो बंदा ही काम करेगा। अगर नहीं होता तो मैं उसी को ही रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ का ठहराऊंगा। तो जवाबदेही उसी की होगी कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये रीज़न सारे वो खुद बताएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो डेलीगेशन है आप किसका नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी का नहीं कर सकते। अथॉरिटी आप दे रहे हो दूसरों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरों को दे रहे हो, बट आप क्या नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली टुवर्ड द डेलीगेटर्स। याद रखना, जब ये तभी बनती है जब डेलीगेटर्स के टुवर्ड। देखो, एक बात है, एक बंदे ने आपको कुछ अधिकार दिए या आपको कुछ काम दिया, डेलीगेट किया कुछ वर्क डन करने के लिए, और फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि भाई उस काम को पूरा टाइम पर करके दें। तो इसीलिए कहता है अकाउंटेबिलिटी तब बनती है जब डेलीगेटर्स होते हैं, वो हमें काम सौंपते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेस्ड ऑन द सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ध्यान रखना है क्या कि भाई हमारी अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, ये अकाउंटेबिलिटी कब पैदा होती है, ये जब सीनियर का सबॉर्डिनेट के साथ क्या होता है, एक रिलेशन होता है। एक मालिक और नौकर का जब एक रिलेशन होगा, एक बंदा ऑनर है, वो काम कर रहा है, उसके नीचे एक वर्कर काम कर रहे हैं, वो उनको काम सौंपता है, टास्क देता है परफॉर्म करने के लिए, तभी तो जाके क्या बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। भाई हाँ देखो, अगर मैंने उसको काम ही दिया, वो मेरे नीचे काम ही नहीं करता, तो वो मुझे जवाब क्यों देगा, वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मेरा बॉस नहीं है, मैं उसका बॉस नहीं हूं, तो ऐसे में क्या है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी पैदा ही नहीं होती है। तो जब तक सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन नहीं होगा तब तक काम सौंपा नहीं जा सकता, काम नहीं सौंपा जाएगा तब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी पैदा ही नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट हमारा, इट ऑर्गनेट्स बिकॉज ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। याद रखना, इसका मेन रीजन यही है क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब अधिकारों का अंतरण किया जाता है, अधिकारों को सौंप दिया जाता है दूसरे लोगों को, मान लीजिए एक मैनेजर है और उसके पास कुछ अधिकार ज़्यादा हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, और वो क्या, एक अकेला इतनी बड़ी फर्म को नहीं चला सकता, नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो क्या करेगा, नीचे कुछ दो मैनेजर रख लेगा, वो अलग अलग सुपरवाइजर वगैरह रख लेगा, वो क्या करेगा, मैनेज करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करेंगे, तो उनके ऊपर वो उनका बॉस है और वो उनको काम देगा, उनको कुछ अधिकार भी देगा कि एम्प्लॉयज़ को डांट सकें, उन्हें पनिश कर सकें। तो ऐसे केस में जब हम उनको अथॉरिटीज़ जो दी जाती हैं, तब जाके वो अच्छे से काम करते हैं और तब उनके बीच में एक रिलेशन पैदा होता है और तब अकाउंटेबिलिटी जन्म लेती है कि वो जवाब देंगे अगर काम हुआ नहीं हुआ, गलत हुआ, कैसे भी हुआ, हर चीज़ की जवाबदेही उन बंदों की होगी जो हमने टास्क परफॉर्म करने के लिए रखे हैं। तो होप आपको अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारे पास देख लिया आपने, पहला वर्ड था अथॉरिटी, जो अधिकार होते हैं जो दूसरों को सौंपे जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अधिकार दिए आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी बन जाती है काम को करने की, और ये होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही कि जवाब कौन देगा, काम हुआ नहीं हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जवाबदेही निकाली जाती है। तो आपको ये भी बतानी होगी। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में तीन टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। हमारा पहला था अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। तीन चीज़ें होंगी आपकी, तीनों को अच्छे से रिवाइज करें, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। हमारा चैनल ग्रीन स्टार, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसे शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।